such good developments in Pakistan. और आपकी अच्छाई जो है वो आपके दफ्तर से नजर आती थी क्या आप अपने पहले अपने घर को बनाते हैं तो आपका ऑफिस जो है माशाल्लाह बहुत बड़ा है दिल को खुशी भी यहाँ पे आती है एक और चीज़ जिसका मुझे एहसास हुआ यहाँ पे बैठ के कि मुझे शायरी जो है उससे बहुत शौक है पढ़ता रहता हूँ मुझे एक शेर याद आ गया वो बड़े मशहूर शायर जॉन एलिया साहब आजकल बड़े वो छाए हुए हैं तो उनका एक शेर याद आ गया कि एक ही सानहा तो है और वो ये कि बात नहीं कही गई बात नहीं सुनी गई आज तक हमारी पॉलिसी में जो सबसे बड़ा फ्लॉ रहा है वो ये है कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते पब्लिक पॉलिसी चूंकि मेरा काम है मैं यही गवर्नमेंट ने मुझे लिया ही पॉलिसी मेकिंग के लिए कि आप पहले नीचे मैं इधर एसी रहा हूँ ईस्ट में मलीर में बलदिया में तो पर्पज ये होता है कि आप नीचे से नौकरी शुरू करें प्राइस कंट्रोल लैंड के इश्यूज ये देखते हुए आप अगर ऊपर इस्लामाबाद तक पहुँचें तो आपको पूरे मुल्क का बताओ कि कराची में क्या इशूज हैं मैं लोअर लाइन में भी डीसी रहा हूँ डेरा मुफ्ती में भी रहा हूँ तो मुझे एक ओवरऑल इल्म हो पूरे हर इलाके के मसलों का आइडियली तो हमें हर जगह पर सर्विस करनी चाहिए लेकिन ज़िंदगी इतनी होती नहीं है आपको इतना मौका मिलता नहीं लेकिन फ्लेवर आपको मिल जाता है मसलों का तो जब आप वहाँ पर पहुँचे तो आपको इदराक हो चीज़ों का तो आप एक अच्छी सी पॉलिसी मेकिंग में हुकूमत की हेल्प करें पॉलिसी हुकूमत बनाती है हम एक इंस्ट्रूमेंट है उनको इनपुट देते हैं तो बेसिकली आई एम अ पॉलिसी मेकर पॉलिसी फॉर्मुलेटर रहता है लेकिन पब्लिक पॉलिसी मैंने इस पे मेरे सब्जेक्ट लिए मैंने पढ़ाई पब्लिक पॉलिसी की उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप मुशावरत करते हैं जो भी इन्वॉल्व है जो पब्लिक है पॉलिसी पब्लिक के लिए बननी है तो पब्लिक को पता होना चाहिए कि क्या पॉलिसी बनने जा रही है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो पॉलिसी बनाते हैं तो हम समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है और हम ही लोगों के लिए बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं तो इवेंचुअली होता ये है कि जब पॉलिसी बन जाती है तो जब लोगों तक पहुंचती है तो लोग चूंकि पता नहीं होता लोगों को कि क्या पॉलिसी बन रही थी क्यों बनी है तो वो पॉलिसी कामयाब नहीं होता तो वो जो शेर मैंने सुनाया वो इसी कॉन्टेक्स्ट में था तो दूसरी बात यह है कि मुझे 2 साल नहीं हुए मुझे साल भी नहीं हुआ जिंदगी में तो लेकिन ये मेरे लिए जो है ना ये वो है हाँ लग रहा है कि मैं 2 साल से वहाँ पर रहूँ तो ये मेरे लिए अच्छी बात है आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल वो एक दफ़ा मैं एक जगह पर डीसी था तो कुछ हालात ख़राब थे तो मैंने बड़ी सख्ती की थी मैं बहुत कम अरसे रहा तो चीफ मिनिस्टर को उधर जब हम गए चीफ मिनिस्टर हमारे बलूचिस्तान के हम उस जिले में गए तो मैं उनके साथ था उनका स्टाफ अफसर था तो जो भी आता था वो कहते जब ये इधर था तो ये हमने किया था ये तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इधर कितना अरसा रहे थे मैंने कहा सर कुछ साल से कम अरसा मुझे लगता तुम 10 साल गए हो यहाँ लेकिन वो मतलब वो सख्ती के हवाले से था यहाँ पर तो मेरा रोल कुछ और है फैसिलिटेटर का तो यहाँ पर मुझे खुशी हुई वहाँ पर मुझे अजीब सा लगा कि क्यों ऐसे की बातें करें यहाँ पर मुझे खुशी हुई कि जरा आपको लग रहा है कि हम कोई मेहनत कर रहे हैं तो आई एम रियली ग्रेटफुल आप तो ये समझते हैं लेकिन मैं आपको चीज बताऊँ कि GDA बहुत सारे इदारों के साथ आप करता हो रहता होगा सरकार के साथ आप काम करते हैं GDA में अल्हम्दुलिल्लाह नादिर साहब जैसे पढ़े लिखे हुए पढ़े एनर्जेटिक लोग हैं जो कि चाहते हैं कि बाकी काम हो और मैं इन सब का
पूरी GDA का ये सिर्फ एक बनने का काम तो नहीं है कि वो कोई भी जो है वो पूरा मुकम्मल नहीं होता. तो इट्स अबाउट द टीम दैट आई एम वर्किंग विद. दूसरी हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं जो कि चेयरमैन भी हैं गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, वो खुद इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आपको ये जान के हैरत होगी कि मास्टर प्लान पे उन्होंने मुझसे 10-10 घंटे की भी ब्रीफिंग दी, 10-10 घंटे की. आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग को मुबालगा, बल्कि आप लोग थे जब एक मीटिंग हुई थी, कुछ लोग थे गवादर ही में थे, आप भी थे, तो हमारी मीटिंग आपको पता है वो 10 घंटे से थी. और उससे पहले भी कोई एक दफ़ा क्वेटा में इतनी लंबी चली, फिर बाद में फिर हुई, फिर बायलॉज पे जब हम ये बायलॉज अभी बनाने जा रहे हैं उसमें भी कोई लगभग इतना ही टाइम उन्होंने लिया है. तो उनको एक एक रेगुलेशन जो है उनको पता है कि प्लानिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपने FIR कहाँ पे क्या रखा है. जो कि मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पर इस तरह होता होगा कि चीफ मिनिस्टर के लेवल का बंदा इतना उसमें इंटरेस्ट लेता हो. और उसकी एक बुनियादी वजह है कि सीरियसनेस पहले और आज के GDA में अगर कोई फर्क है वो सीरियसनेस का है कि हम चाहते हैं कि हम जो कमिटमेंट आपके साथ करें उसको सीरियसली ओन करें. और अगर आज हमें कोई कानून बनाने जा रहे हैं या बना लिया है तो अव्वल तो मुशावरत से हो, और जब बन जाए तो फिर हमारी तरफ से कमिटमेंट हो कि हम इसको इसी तरह ही रखेंगे, और अगर कोई उसमें कोई चेंज लानी भी होगी तो वी ब्रिंग इट टू यू अगेन कि हम ये चेंज करना चाह रहे हैं, आपका क्या इनपुट है. तो बुनियादी फर्क इस वक्त की जो जो भी अरेंजमेंट है वो ये है, वो सीरियसनेस का है. तो ऑन बिहाफ ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर I'm here to give you this commitment कि we are not going to change the master plan or the bylaws without taking input from you. ये मेरी तरफ से आप सब लोगों के साथ commitment है, और आपको ये भी जान के खुशी होगी, और ये भी चीफ मिनिस्टर ही के डायरेक्शन पे हमने किया था कि हमने पब्लिक हेयरिंग्स की है, 4 दिन तक पब्लिक हेयरिंग्स हुई, और उसको बगैर हमने कुछ छुपा के नहीं किया, गार्डियन में इश्तहार दिया, डॉन में इश्तहार दिया, जो कुछ बड़े अखबार हैं हमने सब अखबार में इश्तहार दिया कि हम आपको ये प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हम बाय लॉज में क्या चेंजेस लाना चाह रहे हैं. हमने वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाल दिया, आपको भिजवाया था ड्राफ्ट. तो हम अब कोई सीक्रेटली कोई चीज़ नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि जो भी हो, जो भी पॉलिसी बने वो मुशावरत से बने, ट्रांसपेरेंट तरीके से बने, क्योंकि आप पे इसका ज़्यादा अफेक्ट होगा जो भी हम पॉलिसी बनाएंगे बायलॉज बनाएंगे, लोगों पे होगा. तो लोगों का इनपुट लेना बहुत ज़रूरी है बायलॉज में. ये हुकूमत की सतह पे ये एक रियलाइजेशन हुई है कि विदाउट द पीपल्स इनपुट कोई भी अगर आप पॉलिसी बनाएंगे उसका इम्पैक्ट वो नहीं होगा जो कि उनके इनपुट के साथ होगा. आप किसी भी भारत के किसी भी बड़े किसी भी शहर की प्लानिंग आप अगर उनका वो जायज़ा लें तो वो थ्रू आउट देयर प्लानिंग जब मास्टर प्लान बनाते हैं तो वो इंटरेक्शंस करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, बिजनेसमैन के साथ, एग्रीकल्चर वालों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. अगर मैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान कर रहा हूँ तो उस इलाके में क्या इंडस्ट्री चल सकती है, वो इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी, उस इंडस्ट्री के लिए मैन पावर कैसे मैंने बनाना है, तो उसके साथ एकेडेमिया का ताल्लुक है. एकेडेमिया उसको बोलेगी कि मेरे पास इतना इस वक्त मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स, जो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे अगले 10-15 सालों में ये लोग भी आपको चाहिए होंगे जो इस वक्त मेरे पास नहीं. तो एक कनेक्ट होता है एकेडेमिया का इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री का गवर्नमेंट के साथ,
गवर्नमेंट का लोगों के साथ वो ताल्लुक जो है अगर उसमें कोई दरार आ जाए तो वो अच्छा प्लान नहीं बनता। हम ये जो हमारी कोशिश है हम आपके साथ बात करने या आपको उधर बुलाते हैं या पब्लिक हैं करते हैं उसका सिर्फ ये रीज़न है कि वी वॉन्ट दिस टू बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। ये नहीं हो सकता कि मैं दुनिया में कि वो अकेले से कुछ कर लें। मुझे पॉलिसी का पता होगा, मुझे टर्म प्लानिंग का इतना पता नहीं है कि मैं टर्म प्लानर नहीं हूँ। वो नादिर साहब को तो पता है, वो आपको ज़्यादा पता है, आप में से आर्किटेक्ट्स हैं, डेवलपर्स हैं, आपने बनाई हुई है ये स्कीमें बनाई हुई, तो आपको बेहतर पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डेवलपमेंट के सतह पर। तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जी डी ए का आपको पता है, जी डी ए बेसिकली हमारा रोल है प्लानिंग का और डेवलपमेंट का। हम ग्वादर शहर की डेवलपमेंट और प्लानिंग के जिम्मेदार हैं, तो ये बेसिकली जी डी ए का प्राइमरी रोल है। लेकिन हम जी डी ए को अभी आप ग्वादर में जाते हैं तो आपको रोड नेटवर्क नज़र आता है जो जी डी ए ने बनाया है, तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है। लेकिन हम अब जी डी ए का जो फोकस है उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं। रादर देन डेवलपर्स हम चाहते हैं कि हम फैसिलिटेटर का काम करें और जो डेवलपमेंट है वो आपके थ्रू हो, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, क्योंकि आप लोग आएंगे तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा होगी। उस एक्टिविटी की वजह से जो जो लाइसेंस फी होगी या वट एवर जो हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो हम लगाएंगे ग्वादर की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो रोड नेटवर्क रहता है या वाटर सप्लाई का नेटवर्क रहता है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो हम आपके हेल्प से करेंगे। वी आर नाउ रीस्ट्रक्चरिंग जी डी ए, जी डी ए को हम थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं मॉडर्न लाइन से, कि वो एक सिंपल डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन बने और विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसमैन। तो उसकी रीस्ट्रक्चरिंग अब जारी है। एक और चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम कि जो पूरा शहर है जो प्लान शहर है उसका गवर्नेंस का मॉडल हम चाहते हैं कि वो भी चेंज हो। उसके पीछे रैशनल ये है कि हम चाहते हैं कि और हम देखते हैं कि ग्वादर जो है वो मुस्तकबिल का सिंगापुर है और मुस्तकबिल का दुबई है बिकॉज ऑफ द पोर्ट। लेकिन वो एग्जिस्टिंग जो हमारा सिस्टम है उसमें ये सिंगापुर नहीं बन पाएगा। ये नहीं हो सकता कि पटवारी भी जो है वो अपने लट्ठे के साथ लोगों को तो वो वाला सिस्टम जो है हमें चेंज करना है। हम लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट को मॉडर्न तरीके से डिजिटाइज करेंगे, फिर उसके थ्रू डेटा सेंटर हम उसको हम चाहते हैं कि जो ग्वादर में ज़मीन ले और जो ज़मीन बेचे तो ये ना हो कि कल को पाँच साल बाद ना बेचने वाले को बताओ ना खरीदने वाले को बताओ कि ज़मीन कहाँ है। ये हुआ है ग्वादर में, हुआ है। जितनी भी गलतियाँ पिछले जो 10-15 सालों में हुई हैं वो हमें पता है, तो आधा काम हमारा हो चुका है क्योंकि हमें पता है कि क्या क्या गलती हो सकती है। तो अब हम कोशिश हमारी ये है और इंशाल्लाह इस ये करने ये कर पाएंगे कि जो जो गलतियां हुई हैं उनका इधर वो तदारुक हो और वो ना हो आगे। तो वो जो डिजिटाइजेशन है और हम तो उसको स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी जो है उसका जो बेसिक प्रेमिस है वो ये हो कि वो इंटरनेट कनेक्टेड हो एवरीथिंग। स्मार्ट एप्लीकेशंस के ज़रिए आप जो है शहर के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसे आपका ताल्लुक हो और आपको हर चीज़ का पता हो कि ये गली कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे ख़त्म होगी, आज नहीं है लेकिन कल को ये गली यहाँ पे बनेगी और इसका जो गार्बेज कलेक्शन होगा वो इस तरह होगा, जो यहाँ का सीवेज है या जो सीवरेज है वो कहाँ जाएगा। तो ये पूरा हमारे पास प्लान है, बट फॉर दिस वी नीड मनी। ये खुद से नहीं होगा, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। वो पैसा हम जनरेट करेंगे
डेवलपमेंट के जरिए जो आप करेंगे, हम आपसे फीस लेंगे, जहाँ पूरी दुनिया में यही है। हम ये नहीं करना चाहते कि हम खुद जो है स्कीमें बनाएं, आप स्कीमें बनाएंगे, आप डेवलप करेंगे, लेकिन आप हमें फीस देंगे, हम रेवेन्यू आपके जरिए जनरेट करेंगे। तो जो आप हमें रेवेन्यू देंगे उसी के जरिए हम ये शहर को स्मार्ट सिटी इवेंचुअली बनाएंगे। तो हम गवर्नेंस का मॉडल चेंज करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करेंगे, कि आप अगर गवादर आएंगे तो आपको डीजी जीडीए के दफ्तर से उठ के डीसी के दफ्तर में ना जाना पड़े, डीसी के दफ्तर से उठ के आपको एसपी के दफ्तर में ना जाना पड़े। एक इदारा होगा, एक गवर्नमेंट होगी, और उस गवर्नमेंट के अंदर आपको एनवायरनमेंट की भी एनओसी मिलेगी, आपको इंडस्ट्री की भी एनओसी मिलेगी, आपको टाउन प्लानिंग की भी एनओसी मिलेगी, बिल्डिंग की भी एनओसी मिलेगी। आपको एक बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ तो मसला यह है कि आप पहले आप गवादर आओ, फिर कोयटा जाओ, फिर इस्लामाबाद जाओ, तो इसी में ही वो इन्वेस्टर जो है वो एक तो इसका इतना खर्चा हो जाता है और दूसरा वो इतना थक जाता है कि वो कहता है यार ये सीरियस नहीं है इस मामले में। तो नहीं, हम वी आर वेरी सीरियस, वी आर वर्किंग ऑन रिस्ट्रक्चरिंग द इंटायर गवर्नेंस मॉडल। हम चाहते हैं कि आपको हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दें, कि आप आओ और हम आपको ये फैसिलिटी दें, वन विंडो ऑपरेशन। हमारे जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, तो जो गवादर का फ्यूचर है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को कुछ शकूक और शुभात करने के लिए इशू ये है कि आप लोगों को बताओ कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले पूछता है कि आपने अभी तक क्या किया। आप भी डेवलपर हैं, आप एक स्कीम लॉन्च करते हैं तो उसकी मार्केटिंग आप करते हो बेस्ड ऑन योर ट्रैक रिकॉर्ड, कि मैंने ये वाली स्कीम बनाई थी, अब मैं ये बनाने जा रहा हूँ। जो कोई डेवलपर जो पहली दफ़ा मार्केट में आता है उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। जिस डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड होता है उसको मार्केटिंग में मसला नहीं होता। अगर अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होगा तो आपकी स्कीम जो है वो कामयाब हो जाएगी, क्योंकि लोग बोलेंगे कि इन्होंने पहले भी काम किया था, और बी बिलीव कि इसका जो दूसरा प्रोजेक्ट होगा वो भी इतना ही अच्छा होगा। तो पूरी दुनिया में ये होता है। हमारा अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि जब हम आपको एक प्रपोजल में प्रेजेंट करता हूँ तो आपके दिल में आता है कि अभी तक तो कोई खास वहाँ पर कोई आपने किया नहीं है, तो आप किस बुनियाद पर कहते हो ये हो जाएगा। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है, हमसे गलतियाँ होंगी, बहुत गलतियाँ होंगी। गवादर को आज से 10 साल पहले सिंगापुर बन जाना चाहिए था, नहीं बना। उसके पीछे बहुत सारी रीजन है, हमने गलतियाँ हमारी भी गलती है, कुछ इंटरनेशनल आपका पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि जो नहीं हो पाया, लेकिन वो एक एक चीज़ जिसने गवादर की तरक्की को रोका वो एक एक करके हमने उसको उसके साथ नबरदाजमा होके उसको उस चैलेंज को ख़त्म कर दिया। वो कैसे काम करता था, गवादर का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो पानी का था। पानी वहाँ पे नहीं है क्योंकि वो एरिड शहर है, बारिश नहीं होती, तो जो पानी वाला इशू था उसका हमने हल निकाल लिया है। एक तो अल्लाह के फजल से जो हम वो वाटर सप्लाई की जो एक पाइपलाइन बिछा रहे हैं वो बिछ गई है, पसनी से तो 150 किलोमीटर की हमने पाइपलाइन बिछा दी, हाई क्वालिटी पाइपलाइन है, और हमारे डैम सारे भर चुके हैं थैंकफुली। तो 4-5 साल तक हमें 75 लाख गैलन दिन का हमको मिल गया है, 4 से 5 साल तक 75 लाख गैलन, जो कि शहर की रिक्वायरमेंट भी है फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इस दौरान हम डीसेलिनेशन प्लांट्स भी लगाने जा रहे हैं, ताकि जब तक हमारा वो पानी है तब तक हम ये डीसेलिनेशन प्लांट्स लगा रहे हैं। 1-50 लाख का हम ऑलरेडी उसका बिल्डिंग हो गई है,
चल जाएगा, तो दो साल में वो बन जाएगा। तो पानी का जो इशू है वो हमने एड्रेस कर लिया। दूसरा इशू था हमारा बिजली का। बिजली के वादर में आपको पता है कि फिलहाल तो ईरान से आ रही है और 45 मेगावाट्स के करीब है। वो मसला भी हमारा हल हो गया है। हमारा 300 मेगावाट्स का पावर प्लांट उस पर काम शुरू हो गया है। तो बिजली जो है आपको 300 मेगावाट्स इज अ ह्यूज पावर सप्लाई और वो आपको आपके 10-15 साल तक ये काफ़ी है, बल्कि आगे भी इंडस्ट्री के ऊपर है कितनी इंडस्ट्री आती है, आपको कितनी बिजली चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपकी बिजली का मसला भी हल हो गया। तीसरा बड़ा हमारा इशू था सिक्योरिटी वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी का इशू हमने टैकल कर लिया। आपको पता है कि आप सिक्योरिटी इज नॉट द मसला एनीमोर। उसमें हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हम इस पोजिशन में हैं कि हम आपको ये कह सकें कि ग्वादर इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान, क्योंकि हमने जो मेजर्स लेने थे जो कि आप किसी बड़े शहर में ले सकते हो, हम ले चुके हैं। ग्वादर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो प्लेस है। हम ग्वादर को एक स्मार्ट और सेफ शहर बनाएंगे और इंशाल्लाह उसके लिए हमने जो भी वो इकदाम करने थे हमने उठा लिए। तो जिन प्रॉब्लम्स की वजह से ग्वादर नहीं उठ पाया था वो प्रॉब्लम्स हमने एड्रेस कर लिए। अब सिर्फ हमने जो हमने कमिटमेंट से पिछले के साथ किए वो पूरी करना, जो प्री कंडीशंस थी वो अब हमने आपके लिए मुहैया कर दी। मास्टर प्लान तैयार हो चुका है, उसको जो जो लोगों के रिजर्वेशन थे या जो जो उनको मिसपरसेप्शन थे वो सारी हमने सुन ली, उनका जवाब भी दे दिया। मोस्टली जो ऑब्जेक्शन थी वो इस वजह से थी कि उनको पता नहीं था कि मास्टर प्लान है क्या। तो जब हमने उनको, अब तो हम हर एक को मैं मास्टर प्लान पर बता चुका हूँ, इस्लामाबाद से लेके ग्वादर के लोगों तक सबको मास्टर प्लान हमने पहुँचा दिया है, बता दिया है। हमने एक वीडियो भी बना दिया, वो अपनी वेबसाइट पर भी लगा दिया, जो मास्टर प्लान की जो छीला छीला चीज़ें हैं वो उसमें हमने बता दी है। तो वो मोस्टली यही थी कि हम उनको पता नहीं था। अब मास्टर प्लान में अब एवरीबडी इज हैप्पी अबाउट द मास्टर प्लान, बल्कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इस तरह का मास्टर प्लान कहीं पे भी नहीं है जो ग्वादर का है। कराची जो आपका सबसे बड़ा शहर है उसका कोई मास्टर प्लान नहीं है। तो आपको पता है मुझसे ज़्यादा कि कराची में क्या क्या इशूज हैं, वो इसलिए कि प्लानिंग नहीं हुई। जहाँ पे 20,000 की आबादी को होना चाहिए था वहाँ पे 1.5 लाख की आबादी है। तो वो अगर आपने एक शहर को 50 साल के लिए बनाना है तो आप एक प्रोजेक्शंस करते हो ना कि इतनी आबादी होगी 10 साल बाद, 15 साल बाद, इस एरिया में इतने लोगों को रहना चाहिए, इस एरिया में मैं इतने लोगों को आबाद करूँगा। तो अगर आप 5,000 की प्लानिंग करोगे और फिर वहाँ पे 50,000 लोगों को बिठा दोगे तो ज़ाहिर आपको प्रॉब्लम्स होगी जो कराची में हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हमने अपनी प्लानिंग में उसका किया हुआ है, एड्रेस की हुई है। तो वी आर नॉट गोइंग टू फेस इश्यूज लाइक दीज। उसमें आपसे हमें ये हेल्प चाहिए होगी कि अगेन इट्स अ टू वे स्ट्रीट। हुकूमत से आपको अश्योरेंस चाहिए, हुकूमत आपको अश्योरेंस देगी कि जो मैं आपके साथ कमिटमेंट कर रहा हूँ वो हम पूरी करेंगे। उसके एक मिसाल मैं देता हूँ कि हमारे जो अभी प्लानिंग स्टैंडर्ड्स चेंज हुए हैं, लेकिन हमने ये प्लानिंग स्टैंडर्ड्स उन एनओसीज पे नहीं अप्लाई किए जो हम आपको 2004 या 5 के रूल्स के तहत हमने दिए हैं। तो ये हमारे बायलॉज में डाल दिया कि जो हम ऑलरेडी आपके साथ कमिटमेंट कर चुके हैं उस पर हम पीछे नहीं जा रहे हैं। आगे जो होगी डेवलपमेंट या प्लानिंग वो इन नए प्लानिंग स्टैंडर्ड्स आने,
तो हम अपने कमिटमेंट पे हम खड़े हैं और आगे भी हम ये पूरी हमें गवर्निंग बॉडी से भी इसका अप्रूवल दिया है, बायलॉज में भी, और हम जब ये रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो ज़ाहिर है हमने एक थ्रू लॉ इसको करना है, कानून बनेगा इसका, उस कानून में भी ये चीज़ आती है कि जो आप एक दफ़ा मास्टर प्लानिंग कर दोगे इसको आप फिर इस तरह चेंज नहीं करोगे, क्योंकि प्लानिंग जो होती है आपके 50 साल की है, हमने 30 साल का मास्टर प्लान दिया, तो उसका एक रिविजन तो ठीक है, रिविजन आप 10-15 साल बाद आप रिवाइज करते हो कोई भी प्लान, कि आपने प्रोजेक्शन की थी मेरी आबादी जो है इतनी बढ़ेगी वो इतनी नहीं बढ़ी फॉर वट एवर रीजन, तो आप फिर उसको रिवाइज करते हो, रिविजिट करते हो, वो इज अ डिफरेंट थिंग, वो अगर रिविजिट करेंगे नहीं तो इसी तरह करेंगे, बैठ के करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आज से 10 साल पहले ये इशूज थे, आज ये इशूज हैं, तो उस वक्त जो मैंने प्लानिंग की थी वो इस वक्त उस तरह से नहीं हो पाएगी, तो वी नीड टू चेंज दिस, बट एनी चेंज दैट यू माइट हैव टू ब्रिंग इट वुड हैव टू कम थ्रू यू पीपल, हम ये नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमने फैसला किया है कि हम जो भी कोई भी जो चेंज किसी भी चीज़ में लेके आएंगे हम खुद से नहीं करेंगे, हम पहले वो लोगों के सामने लेके आएंगे ओपनली, ओपन सबसे पहले हम गवादर के लोगों को बताएंगे कि मैं आपका ये पुराना शहर डेवलप करना चाहता हूँ, तो ये हमारी प्लानिंग है, अब आप बताओ कि आपको ये प्लानिंग पसंद है या नहीं, आपको चेंज प्रपोज करना चाहते हो या नहीं, तो वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग विद कंसल्टेशन, फर्स्ट विद द लोकल्स, देन स्टेकहोल्डर्स जो आप लोग हैं, फिर हम इसको गवर्निंग बॉडी में ले जाएंगे कि ये हमने प्लान बनाया, फिर ये हमने लोगों को पेश किया, लोगों ने ये सजेशन दी, फिर हम स्टेक होल्डर से मिले, उन्होंने ये सजेशन दी, अब जो है ये हमारे ख्याल में ये बिल्कुल तैयार है, तो आप इसके अप्रूवल दें, जो भी चेंज होगा वो इस तरह होगा, लोगों की मशावरत से, खुद से हुकूमत ये जिंदगी कुछ नहीं करेगी, हम प्लान बनाएंगे, हम आपके सामने रखेंगे और फिर हम उसको अप्रूव करेंगे। तो कल को ना आप ये कहेंगे कि मुझे तो पता नहीं था, ना मैं आपको कहूँगा, ना मैं डिफेंसिव कहूँगा कि क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं था तो आपको पता नहीं था, नहीं, कोई भी पॉलिसी बनेगी दैट विल बी थ्रू कंसल्टेशन। बायलॉज हम जो ड्राफ्ट है वो आपके साथ शेयर किया गया है, आपका इंटरव्यू पहले भी आया था, उन्होंने जहाँ जहाँ उसको अकोमोडेट कर सकते थे हमने किया है, आपके जो इनपुट है वो फॉर्मली भी हमें मिल जाएगा, हम इसको एग्जामिन करेंगे, और कुछ चीज़ें मैंने देखी कि जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं वो उसे भी इसलिए कि हमने दूसरे को बताया ना कि बायलॉज है क्या, तो शायद वो जॉन एलिया साहब का शेयर गया हो फिर उस पर इम्प्लीमेंट होता है, तो आपका इनपुट हम एग्जामिन करेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट जो हमारा आपके साथ ताल्लुक हो इस तरह की सेटिंग हो, कोई हमारी जो इंटरेक्शन हो वो होपफुली विल डू इट इन गवादर, तो आप सब गवादर हैं, गवादर हम सबका है, हमने मिल के इसको बनाना है, और एक बात मैं आपको बताऊँ, गवादर जो है अगर आप अपने मुल्क की रिसोर्सेज को मैप करें तो गवादर इज़ वन ऑफ दैम, बल्कि इफ नॉट एट द टॉप इट इज़ वन ऑफ द टॉप 3 or 5 रिसोर्सेज दैट यू हैव, गवादर जो है वो इस पूरे मुल्क को इस इकोनॉमिक हमारा प्रॉब्लम्स हैं उससे उठा सकता है, हमारी जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको ये हल कर सकता है। हमारे ख्याल से गवादर में पर कैपिटा इनकम 2050 में $15,000 हो सकती है, $15,000 सिर्फ गवादर की। इस वक्त आपके मुल्क में जो पर कैपिटा इनकम है $1,500 से भी कम है, तो कहाँ 1,350 और कहाँ 15,000,
अगर मैं आपको कहूं कि ग्वादर जो है 2050 में उसकी जो इकोनॉमी है वो $30 बिलियन की होगी, $30 बिलियन की, तो जाहिर है वो जो जितना पैसा जनरेट होगा वो हम सबके काम आएगा, वो ना सिर्फ बलूचिस्तान को उठाएगा, वो पाकिस्तान को उठाएगा, वो आपके सारे रीजन को उठाएगा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी बंदरगाह पोर्ट, हमारा मास्टर प्लान जो है वो उसको भी केटर करता है कि आपने शहर और बंदरगाह दोनों को एक साथ उठाना है, तो जो पोर्ट है वो शहर को हेल्प करे और जो शहर है वो पोर्ट को हेल्प करे। तो इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं जो इस वक्त हवा है वो मुआफिक है, हमारे हक में है, बस हमने एक दूसरे की हेल्प करते हुए उस ऑब्जेक्टिव को पाना है। आखिर में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और मेरी ये बातें सुनी। अच्छा तो बहुत शुक्रिया आप सबका।